गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन आरडीएस ग्रुप क्लास। दिस इज योर ईवीएस पीरियड, सो ओपन योर ईवीएस बुक। ओके, ये बेटा एक ग्रीन कलर वाली ईवीएस की बुक निकालना है, ठीक है? वर्कबुक रेड वाली नहीं निकालनी है। जो फर्स्ट ब्लॉक वन आवर फैमिली इज कंप्लीटेड। ओके, नाउ ओपन ब्लॉक टू माई हाउस। ओपन पेज नंबर 14, ब्लॉक वन माई हाउस। आप सब लोग कहाँ रहते हो? अपने अपने हाउस में रहते हो। हाउस आप लोग को प्रोटेक्ट करती है सर्दी से, गर्मी से, बारिश से, ठीक है, और वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करती है। तो हम सभी के लिए घर होना बहुत ज़रूरी है। अगर घर नहीं होगा तो हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग सेफ़ नहीं होंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बारिश में भीग सकते हैं, गर्मी में बहुत गर्मी धूप होती है, तो ऐसे रहना पॉसिबल नहीं है बिना घर के। तो हम सब के लिए घर होना बहुत ज़रूरी है। हम सब कहाँ रहते हैं? अपने अपने घर में। ओके, अ प्लेस टू लिव, रहने की जगह। दिस इज़ बीना हाउस, पिक्चर वन। पिक्चर वन देखिए आपको दिख रहा है, ये क्या है? बीना का घर है। हर हाउस हैज़ अ रूफ, वॉल्स, फ्लोर, डोर्स एंड विंडोज। बीना के घर में छत है, दीवार है, फर्श है, दरवाजे हैं और खिड़कियाँ हैं। लाइट एंड फ्रेश एयर कम इन थ्रू द विंडोज। लाइट और फ्रेश एयर कहाँ से आती है? विंडो से आती है। देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ बीनाज हाउस। बीना के घर के सामने गार्डन है। शी लिव्स हेयर विथ हर फैमिली, वह अपनी फैमिली के साथ रहती है। नंबर वन, थिंक अबाउट योर हाउस, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? आपको पता है आप सब कहाँ रहते हैं, ठीक है? वॉट डज यू हाउस लुक लाइक, ये क्वेश्चंस के आंसर आपको मैं करवाऊंगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ड्रॉ योर हाउस इन द बॉक्स। यहाँ पे आपको अपने अपने हाउस का पिक्चर ड्रॉ करना है एंड उसमें कलर फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको अपनी अपनी बुक में फिल करना है। ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पेज नंबर 15, रूम्स इन अ हाउस। आपके घरों में बहुत सारे रूम्स होते हैं। कहीं पे आप एक रूम होता है जिसमें आप लोग मम्मी खाना बनाती हैं, रूम होता है जिसमें आप लोग नहाते हो, और कहीं रूम होता है जिसमें आपके गेस्ट आते हैं, विजिटर्स आते हैं, उनके साथ आप लोग बैठते हो, बात करते हो, और एक रूम होता है जिसमें आप लोग सोते हो, ठीक है? जैसे किचन जिसमें आप मम्मा खाना बनाती है, बेडरूम आप लोग सोते हो, लिविंग रूम इसमें आप लोग एक साथ बैठते हो, आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है तो बैठ के आप लोग बात करते हैं, एंड बाथरूम इसमें आप लोग नहाते हैं। देयर आर मैनी रूम्स इन बीनाज हाउस। पिक्चर्स टू में देखिए बीना का हाउस है, इसमें बहुत सारे रूम्स है। देयर इज़ अ किचन टू कुक फूड, किचन है, खाना बनाने के लिए किचन है। देयर आर ड्राइंग रूम टू सिट एंड टॉक विद विजिटर एंड द फैमिली। विजिटर बेटा किसे कहते हैं? जो पर्सन होता है जो आपसे मिलने के लिए आपके घर आते हैं, जैसे आपके रिलेटिव्स आते हैं तो आपसे, या आपके नेबर्स आते हैं तो आपसे मिलने के लिए, तो आप लोग कहाँ उन्हें बिठाते हो? ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, ठीक है? उसका एक ड्राइंग रूम है जहाँ पे बैठते हैं, और अगर कोई गेस्ट आता है, विजिटर आते हैं, उनके साथ बैठ के और फैमिली साथ बैठ के टॉकिंग करते हैं। देयर आर बेडरूम्स टू स्लीप इन, वहाँ पे बेडरूम है, बेडरूम में क्या करते हैं? सोने के लिए सोते हैं। देयर इज़ अ बाथरूम टू बीथ, बाथरूम में नहाते हैं, एंड ब्रीथ एंड वॉश।
Bina and her family keep all the rooms very clean. Bina और उसकी family घर को, घर के rooms होते हैं उन्हें बहुत clean रखती है. जैसे हमें अपने आसपास हमेशा सफाई रखनी चाहिए और हमें अपना रूम है, अपना घर है, जहाँ पे भी हम आसपास हैं उस जगह को हमें हमेशा साफ रखना चाहिए, गंदा नहीं रखना चाहिए. ठीक है. नंबर वन, राइट द नेम्स ऑफ द रूम्स इन द पिक्चर्स. ये पिक्चर्स दिए हुए हैं, इनमें इनके नेम फिल करने. ए, ये क्या है, ये किचन, के आई टी सी एच ई एन, किचन, के आई टी सी एच ई एन, किचन. नेक्स्ट, बेडरूम. देखिए सो रहा बॉय, क्या है, बेडरूम, बी ई डी बेड आर डबल ओ एम रूम, बेडरूम. थर्ड, बाथरूम, बी ए टी एच आर डबल ओ एम रूम, बाथरूम. डी, लिविंग रूम, एल आई वी आई आई एन जी लिविंग आर डबल ओ एम रूम. लिविंग रूम या आपका ड्राइंग रूम, आप उसे लिविंग रूम भी बोल सकते हैं, ड्राइंग रूम भी बोल सकते हैं. ठीक है, लिविंग रूम में सब लोग आप लोग फैमिली के साथ बैठ के बातें करते हैं, या आपका कोई गेस्ट आता है, विजिटर आता है, तो उनके साथ बैठ के आप लोग बात करते हैं. ओके, नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स. किचन, किचन को आपको, किचन में क्या होता है, खाना बनाते, तो मैच द सी, कुक फूड. आपको किचन को ए को सी से मैच करना है, कुक फूड. नेक्स्ट, लिविंग रूम, लिविंग रूम में क्या करते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से, तो बी को डी से मैच करें, टॉक टू अदर पीपल, टॉक टू अदर पीपल. बाथरूम, पीथ एंड वॉशअप, सी को ए से मैच करेंगे, बाथरूम, बीथ एंड वॉशअप. डी, बेडरूम, बेडरूम में क्या करते हैं, आप लोग सोते हैं, मैच स्लीप. विच इज़ योर फेवरेट प्लेस इन योर हाउस, आपके घर में आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है, ये आपको बताना है. पेज, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16. नीड फॉर अ हाउस, हमारे लिए घर ज़रूरी है. लाइक बीना, वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन, हम सभी के लिए रहने के लिए घर बहुत ज़रूरी है. अ हाउस कीप्स अस सेफ फ्रॉम द रेन, हीट, कोल्ड एंड एनिमल. हाउस, घर हमें बारिश, गर्मी, सर्दी और एनिमल से सेफ रखता है, हमें बचाता है. वी कैन रेस्ट एंड प्ले विथ आवर फैमिली मेम्बर्स इन आवर हाउस, हम अपने घर में रेस्ट करते हैं और अपनी फैमिली के साथ खेलते हैं. हम अपने फैमिली मेम्बर के साथ घर में रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं और खेलते हैं. ओके, देखिए पिक्चर्स, थर्ड ए में हाउस इज सेफ फ्रॉम द हीट, हमें देखिए किससे बचा रहा है, गर्मी से. सेकेंड, हाउस इज सेफ अस फ्रॉम द रेन, सेकेंड पिक्चर में बारिश हो रही है, हमें रेन से सेव कर रहा है. थर्ड पिक्चर में हाउस इज सेफ अस फ्रॉम द कोल्ड, इन थर्ड पिक्चर सेफ फ्रॉम द कोल्ड, सर्दी से बचा रहा है. एंड इन पिक्चर फोर्थ, हाउसेस गिव अस प्लेस टू स्पेंड टाइम विथ आवर फैमिली, हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. बेटा नंबर वन, लुक एट पिक्चर्स ए एंड बी केयरफुली, डिस्कस द क्वेश्चन विथ योर पार्टनर. ये पार्टनर है, इसमें आप अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ डिस्कस करेंगे. ओके, मैं क्वेश्चन से मैं आपको नोटबुक में राइट करवाऊंगी. नेक्स्ट, पेज नंबर 17. आ ड्रीम हाउस, सपनों का घर. अरुण इज अ सिक्स ईयर ओल्ड, अरुण 6 ईयर्स ओल्ड है.
ही लिव्स इन अ फ्लैट विथ हिज फैमिली, वह अपनी फैमिली के साथ फ्लैट में रहता है। जैसे पिक्चर फोर में देखिए, जहाँ पे सर्कल बना हुआ है वो अरुण का फ्लैट है। ओके, ही हैज़ अ विश, उसकी एक विश है। ही वॉन्ट टू मेक हिज ड्रीम हाउस व्हेन ही ग्रो अप, वह बड़ा होके अपने सपनों का घर बनाना चाहता है। अरुण की एक विश है कि वह जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह अपने सपनों का घर बनाएगा। ही वॉन्ट मैनी रूम्स इन अ हाउस, वह चाहता है कि हाउस में बहुत, घर में बहुत सारे रूम्स हों। ही वॉन्ट मोर विंडोज एंड अ गार्डन, वह चाहता है कि घर में बहुत सारी खिड़कियाँ और गार्डन। ही ऑल्सो वॉन्ट अ स्विमिंग पूल इन हिज ड्रीम हाउस, वह अपने सपनों के घर में एक स्विमिंग पूल भी चाहता है। वह अपने सपनों के घर में स्विमिंग पूल भी चाहता है। लुक एट द पिक्चर ही ड्रॉन ऑफ हिज ड्रीम हाउस, पिक्चर देखिए, उसने अपने सपनों का चित्र बनाया है। ये ही सोच रहा है कि मैं ऐसा ही अपना हाउस बनवाऊंगा। ठीक है, नंबर वन, थिंक अबाउट योर ड्रीम हाउस। ए, व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर ड्रीम हाउस, यहाँ पे आपको कलर फिल करना है कि आप भी सोचते हो कि मेरा भी कोई एक अपने सपनों का घर बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो उसका उसमें इस कलर का पेंट करवाऊंगा, तो ठीक है, या करवाऊंगी, तो इसमें आपको जो भी कलर का पेंट आप करवाना चाहते हो वो आपको कलर फिल करना है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर वन, थिंक अबाउट योर ड्रीम हाउस, ये आपको फिल करना है। ठीक है, आपको व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर ड्रीम हाउस, अपने ड्रीम हाउस का कलर फिल करना है। बी, हाउ मैनी रूम्स विल यू हैव इन योर ड्रीम हाउस, आप अपने ड्रीम हाउस में आपके कितने रूम आपके सपने के घर में कितने रूम होंगे। सी, आपको यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, सी, व्हाट एल्स डू यू वॉन्ट इन योर ड्रीम हाउस, आप अपने सपने के घर में और क्या चाहते हो, वो आपको यहाँ पे राइट करना है। नंबर सेकेंड, वेयर डू यू प्ले गेम्स इन योर ड्रीम हाउस, आप अपने सपनों के घर में कहाँ खेलेंगे, आप गार्डन बनवाना चाहते होगे तो गार्डन में खेलोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि आप अपने सपनों के ड्रीम हाउस में कहाँ खेलोगे। ओके, बाकी क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैं आपको नोटबुक में कराऊंगी। यह आपका चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है आपको। पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ योर हाउस इन द बॉक्स, यह आपको यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ करनी है अपने हाउस की, और जो मैंने फिल करवाया है पेज नंबर 15। ओके, एंड आप पेज नंबर 17 पे आपको जो मैंने समझाया है वो आपको फिल करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।